नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार ITI के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग किया था और अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग लिस्ट में ना यानी कि अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया है तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम कब आएगा। हम आपको बता दें, इसका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा जिसका कि डेट दे दिया गया है। वो डेट क्या है और साथ में ये डाउनलोड कहाँ से होगा, इसका जो है बिहार ITI का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, हम आपको इस वीडियो में वही बात क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह के अपडेट पाने के लिए। अभी हम BCC के ऑफिशियल साइट पे हैं जहां इसका नोटिफिकेशन दिया गया, जहां बताया गया है कि इसका जो है बिहार ITI का सेकंड मेरिट लिस्ट इस दिन जारी होगा। चलिए बिना कोई देरी के आपको बताते हैं कब होगा जारी और कहाँ से आप इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ये नोटिस वैसे लोगों छात्रों के लिए है जिन लोगों ने बिहार ITI का ऑनलाइन काउंसलिंग किया था और उसका फर्स्ट राउंड यानी प्रथम मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है तो द्वितीय मेघा सूची में अपना नाम चेकआउट यहां से कर पाएंगे। गूगल पर आना होगा, लिखना होगा सिंपली आपको सरकारी इन्फॉर्मेशन.com, ये वाला वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना, यहां अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, आपको आना है एडमिशन वाले कैटेगरी में। सबसे टॉप देखने को मिलता है बिहार ITI कैट सेकेंड में सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट 2023 पर क्लिक करना। जैसे क्लिक कीजिएगा एक नया आर्टिकल खुलकर आ जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का। जैसे ही आएगा आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस दिन होगा जारी क्लियरली बताया गया। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हर एक बात सेकेंड अलॉटमेंट लेटर के बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। आपको हम क्लियर करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार ITI सेकेंड अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट डेट रिलीज का जो है वो 7 अगस्त, ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिन लोगों का नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उन लोगों के लिए है। साथ में इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी डाउनलोड करने की वो 13 अगस्त 2023 रखा गया है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि रिक्वायरमेंट यानी कौन कौन से दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने हैं वो यहाँ पे डाटा मेंशन किया गया है। नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल जो है बिहार ITI का देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार ITI सेकेंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डेट 7 अगस्त को जारी होगा। डाउनलोड और बिहार ITI कैट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो 7 अगस्त 2023 से लेकर 13 अगस्त 2023 तक चलेगा। साथ में यहाँ ये भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड वो जो है 8 अगस्त 2023 से 13 अगस्त तक चलने वाला है। तो इस तरह से आपको डेट पता चल गया होगा कि अगर आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप जो है आसानी पूर्वक 7 अगस्त 2023 को द्वितीय मेगा सूची देख सकते हैं, जहाँ पता कर सकते हैं आपका नाम कहाँ आया। ये वही लोग चेक कर पाएंगे जिनका नाम अभी तक नहीं आया है। साथ में डाउनलोड कैसे करना है यह प्रश्न बताया गया है। साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर आप अपना बिहार ITI का सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे 7 अगस्त 2023 से। उम्मीद करते हैं हमारा ये अपडेट सही लगा, चैनल पर बने रहें। जैसे कोई विशेष अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से, साथ में अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, आई लव यू।